देखो इस बचत बाजार में आके ना अगर हजार वाली चीज पठान भाई से 200 सौ बिना लेके गए ना तो फिर यार तुम तो सारे पैसे बर्बाद कर आ गए अपने तो यार आज मेरे पास साथ दो हजार रूपए का बजट है अब देखना कि इस बजट बाजार में मैं कैसे 2000 में कितना सारा सामान खरीदती हूँ बार्गेनिंग भी खूब करूंगी और देखना पैसे में बचा भी लूंगी दो में मतलब की दो भी ज्यादा पड़ गए थे इस बचत बाजार में आजकल पेट्रस्टी जब इंस्टाग्राम पे इतने ज्यादा वायरल हुए ना तो वो सब आज मैंने यहाँ स्पॉट किए एंड लिटरली आई एम कि कितने ज्यादा सस्ते रेट से सो आज की वीडियो में काफी ज्यादा ट्विस्ट है बहुत मजा आने वाला है आपको ये चैलेंज देख के जैसे कि आपने मेरा तारिक रूट वाला चैलेंज बहुत ज्यादा पसंद किया था अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाके लाजमी देख लेना और हाँ आज की वीडियो में क्रॉकरी बैग शूज बहुत कुछ कवर करने वाले है जो जो खरीदेंगे प्राइजेस के साथ सब कुछ दिखाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इस टाइम में मौजूद हूँ बचत बाजार में पीछे देख ही सकते हैं आप क्या रौनकें लगी हुई है

अच्छा लग रहा है वैसे बट थोड़ा सा यूज़ लग रहा है सो so हम वो चीज़ लेंगे जो यूज़ भी ना हो और अच्छी लगे रीज़नेबल भी मिल जाए अब देखो 600 ये लोग बताते हैं प्राइजेस और 500 400 में आराम से दे देते हैं और हमेशा ना ये ट्रिक अप्लाई करना बोलते ना भैया को कि यहाँ से ये डैमेज है वाकई वो हो डैमेज तो फिर देखना आपके आराम से प्राइजेस कम कर देंगे लेकिन अल्लाह माफ करे कुछ शॉपकीपर तो ऐसे होते है अटक जाते हैं अपने प्राइजेस पर और बोलते हैं कि भाई हमने थोड़ी ना डैमेज किया है ये तो बाहर से ऐसा ही आया था और माल में ये दब गया था इसलिए ऐसा हुआ है तो भाई आप छोड़ देना वो चीज मत लेना आगे जाना आगे बहुत स्टॉल्स है आपको और अच्छी चीज मिल जाएगी बस बल्कि उससे कम में मिलेगी ये मैंने एक्सपीरियंस की हुई है तो आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ वैसे फुटवेयर का मेरा इतना कोई खास इरादा नहीं था कि मैं लूंगी लेकिन फिर भी मैं चेक कर रही थी कि क्या पता कोई ऐसा अच्छा पीस मिल जाए जो कि थोड़ा यूज भी ना हो पहने में भी अच्छा लगे तो, तो कितना होगा क्यों नहीं हो जाएगा कितना पचास का अभी यहाँ प्राइस कम करवा रही थी इस फुटफेयर के लिए तो उसने कहा बस मैं पचास रुपए कम करूंगा इससे ज्यादा नहीं मैंने कहा क्यों नहीं कम होगा इससे ज्यादा क्योंकि उस भैया को ये समझ आ गया था कि इस लड़की को ये चीज पसंद आ गई है अब इससे ले लेनी है और अगर तो आप खुद भी वो चीज नहीं छोड़ोगे ना लेके रहोगे की भाई हमें ये लेनी है तो उसने बंदे ने पैसे कम नहीं करने है तो इसीलिए आप वो चीज़ छोड़ दो दूसरी चीज देखने लग जाओ और बिलीव भी जब आप जाने लगोगे ना खुद ही रोक के आपको उस प्राइस में दे देगा जिसमें आप चाहते हो क्यूँकी मोस्टली मेरे साथ ऐसा ही हुआ है यहाँ पर ये ब्लैक वाली ही, कितने की है ये वाली ये सात सौ रुपए की है अच्छा यार मुझे हील्स में से कुछ भी पसंद नहीं आ रहा तो इसलिए फिर मैं नहीं ले रही क्योंकि थोड़ी थोड़ी यूज लग रही है तो इसलिए हम कहीं और चलते हैं और कहीं और चल के देखते हैं कि हम क्या लेंगे अब मैंने यहाँ ये बहाना बनाया पसंद ना आने का बस हील्स अच्छी थी फ्लैट्स भी बहुत अच्छी थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी फुटवेयर जमा हो गई है तो मैंने ये सोचा की मैं वही चीज लूंगी जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है ये वाला टोट बैग निकाल के दिखाइएगा ये रेड वाला कितने का मिलेगा हजार रुपए का बैग मुझे अच्छा लगा है और ये इसके हजार रुपए बता रहे हैं। सही लगा लो भाई नहीं बहुत नहीं। कुछ लेना दो हजार में खाली बैग लेके क्या करूंगी वह इस बैग के दूंगी कितने दूंगी मैं तीन सौ दूंगी तो उसने फाइनल प्राइस बोल दिए थे अब मेरा ये था कि मैं चार सौ में लेके जाना है मैंने नहीं लेके जाना फिर मैं आगे इनके फुट सॉरी बैग देखती गई तो उसमें दो सौ की सेल लगाई हुई थी दो सौ आई गई तीन सौ रूपए की तो उसमें भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया जब मैं दोबारा इसकी शॉप पे वापस आई हूँ ना कि मैं बैग ले लेती चलो पाँच सौ का लेकिन हुआ ये कि बैग बिक चुका था अच्छा मुझे वहाँ पर भी इनके बैग नजर आए अगर देखते हैं वहाँ पे बैग मिलता है तो आ जाए मेरे साथ बजट बाजार में शॉपिंग करना भी एक आर्ट है कि आपको छांटना आना चाहिए चीज़ें अच्छे से अच्छे बैग निकालने आना चाहिए और इसी वक्त आपको देखना आना यही चाहिए कि भाई बैग कहीं से ख़राब तो नहीं है क्योंकि तो मोस्टली ले लो चीज़ और फिर घर जाके देखो ना तो बोलते हैं आ ये तो अंदर से ख़राब है और फिर उस बंदे को ढूंढते रहो कि वो स्टॉल लगा के कहाँ बैठा हुआ है या तो वो हमें नहीं मिलेगा या वह बंदा ही गायब हो चुका होगा लेकिन यहाँ ऐसा तो नहीं होता परमानेंट यहाँ पे स्टॉल लगा के बैठे होते हैं रोज़ाना इनका होता है कि ये लगाते हैं यहाँ पर स्टॉल्स लेकिन फिर भी ढूंढना तो मुश्किल होता है तो इसलिए जो चीज आप लोग ले रहे हो छे से चेक कर लो अब देखो ये मैं एडिडास का बैग देख रही थी इसकी जो जिप थी उस पर भी एडिडास का लोगो वगैरह सब छपा हुआ था मेरे साथ ऐसा है कि भाई साहब मेरे को ना चीजें चूज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है या फिर ऐसा है कि एक चीज जो पसंद आ गई ना माइंड में वही बसती रहती है और मेरा पूरा दिमाग उसकी तरफ होता है इसीलिए मुझे जैसी बंदी के लिए बचत बाजार में शॉपिंग करना काफी मुश्किल हुआ हुआ है पेन बहुत अच्छी क्वालिटी की है वाकई में देखो पहनावा कितना अच्छा लग रहा है लग रहा है लंडा से ले रही लग रहा है नहीं लग रहा है ना रेड वाले बैग पे ही दिल अटक गया है अब पछतावे तो क्या हुआ जब चुड़िया चुग गई खेत तो नहीं लिया बैग तो किसी और ने ले लिया जिसकी नसीब में था अब मेरे नसीब में कोई और ही बैग था तो जाहिर है फिर मैंने वो आगे जाके लिया तो जरूर देखना आगे कि कौन सा बैग मैंने लिया है बाकी आप ही मुझे बहुत हेल्प कर रही थी कि उन्होंने कहा ये नहीं ये बैग ले लो कुछ तो लो अभी जो बैग देख रहे हैं ना इसमें ज्यादातर कुछ बल बल से आए हुए थे तो इसी वजह से मुझे ये पसंद नहीं आ रहे थे लेकिन जो पसंद आ रहे थे वो थोड़े छोटे थे अब असल में फैशन डिजाइनर्स के साथ ना सामान इतना ज्यादा होता है कि उनको इतने बड़े बड़े बैग चाहिए होते एक सूट केस भी भी अपना वो रखे ना तो सूट केस भी कम पड़ जाए तो मैं बड़ा ही अच्छा लड़की ने और ना थोड़ा सा अब जब मैं की क्लास होती है ना तो मुझे शोल्डर बैग चाहिए होता है क्योंकि सामान इतना ज्यादा नहीं होता है तो इसीलिए फिर मैं छोटा बैग चाह रही थी तो मुझे ये पसंद आया अब क्या था ना कि क्लियर था तो एक दो चीजें इसमें से आपकी दिखेंगी ठीक है और इसके अलावा उसका स्ट्रैप इतना ज्यादा बड़ा था एडजस्टेबल नहीं था बिल्कुल समझो आप घुटनों तक आ रहा था बैग तो इसीलिए मैंने वो बैग छोड़ दिया अब जब इसकी तरफ बढ़ी ये बैग बहुत अच्छा था बिलीव मी बट मुझे लग रहा था मुझे जो लगा कि इसका लेदर थोड़ा सा रफ हुआ हुआ है बट जब मैंने आगे जाके देखा ना किसी और शॉप पे तो इसी तरह का बैग था दूसरे कलर में तो उसका भी लेदर सेम ही था तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो चीज़ आपको पसंद आए अगर वो दिखने में अच्छी लग रही है ना तो आप छोड़ के वह जाओ ले लो क्योंकि जब आप वापस आओगे ना लेना तो कोई और उस वक्त तक ले चुका होगा या फिर आपको

सिर्फ बॉटल और लंच बॉक्स के लिए ठीक है देखो अपन लोग ना आगे जाके क्रॉकरी वगैरह सब देखेंगे मेरे साथ ही रहो कहीं मत जाना ठीक है बैग की पहले शॉपिंग हो जाए ना मैंने सोचा कि मैं एक चीज को पहले फारिग कर दूं उसके बाद किसी और चीज की तरफ जाऊंगी और जो जरूरत का सामान है तो पहले तो वो लेना जरूरी ही है अच्छा यहाँ पर यह मेकअप पाउचेस थे जब ये पाउच तो मुझे ऐसा लग रहा था की अम्मी की ज्वेलरी का ना बटुआ है तो इसीलिए फिर मैंने ये छोड़ दिया और हम आगे गए तो मुझे ना बड़े स्थेटिक टाइप के बहुत ही प्यारे ये पेस्टल टाइप के शूज नजर आए जो की आजकल इंस्टा पे बहुत ट्रेंडिंग कर रहे हैं स्पेशली ये वाले इस पर तो भी भी आप इंस्टाग्राम पे कस्टमाइजेशन करवाते हैं अलग उसके अलग से से उसके चार्जेस पे करते पे करते हैं बट इन शूज ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है है ठीक आप देख सकते हो बस क्या है ना कि मुझे शूज का सोल थोड़ा सा हैवी लग रहा था बाकी हम आगे गए तो मुझे ना बहुत ही खूबसूरत किस्म की एंटीक टाइप की क्रॉकरी नजर आई और पता है आप लोगों को मुझे क्रॉकरी कितनी ज्यादा पसंद है क्रॉकरी जमा करने का भी मुझे इतना ज्यादा क्रेज है ना मेरा तो बस चले किचन पूरा बिल्कुल यूनिक टाइप की क्रॉकरी से भर दू और जो कि यहाँ पे क्रॉकरी थी अब मुझे ना ये मग पसंद आया बड़ा एस्थेटिक सा था जरूरी थोड़ी ना है कि इन मग में आप आप चाय या कॉफी भाई इसको पेन होल्डर के तौर पर भी, भी यूज कर सकते हो आजकल इसका ट्रेंड काफी चल रहा है और इतनी अच्छी क्वालिटी थी बिलीव मी सारे मग्स वगैरह की बिल्कुल इम्पोर्टेड वाली वेराइटी थी और यहाँ पर होती भी यही वेराइटी है और इनके ना एक एक दो दो पीस आपको मिलते हैं और कुछ चीज ऐसी होती है जो कि एक ही पीस होती है तो आपको ना सेट नहीं मिलने वाला बिल्कुल देख रहे हो आप लोग कितनी ज्यादा रेंडम ऑर्डर में चीजें प्लेस हुई हुई है बस होंगी ना आपकी तो आराम से आप अपनी फेवरेट चीजें स्पॉट कर लेंगे क्योंकि इतनी ज्यादा झमगुट्टा लगा हुआ होता है ना चीजों का तो आपको अपनी पसंद की चीजें भी नजर नहीं आ रही होती है और जब कोई आपको आपकी मनपसंद चीज नजर आती है ना उस वक्त तक वो किसी अंटी के हाथ में होगी तो इसलिए ना आप लोगों ने भी आगे खुली रखनी है और शॉपिंग बड़े मजे से करनी है अच्छा यहाँ पर कुछ स्टेनलेस स्टील के आइटम्स थे जो कि बहुत प्यारे थे अच्छा मिनी क्रॉकरी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी जो आप लोग चाहते हैं

सी नोटिस की जो अच्छी तो लग रही थी बट वो कि विंटर तो निकल चुका है और वो विंटर के लिए थी लेकिन अगर आप चाहो तो आप लोग ले सकते हो ये आ, अगले विंटर के लिए खैर ये बड़े अच्छे लग रहे थे और विंटर में तो ये इतने महंगे सेल आउट हुए ना वेबसाइट वगैरह पर मैंने खुद देखा है बाकी अगर आप लोग ढूंढ ढाणी करोगे ना तो चीज़ें आपको आराम से अच्छी से अच्छी मिल जाएंगी जैसे कि ये फ्रेम ये हैंडमेड फ्रेम था और इस क्रॉकर शॉप पे मुझे काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी लगी ये बोल बहुत अच्छा लगा था दो का बता रहे थे और मैंने इनको डेढ़ सौ बोला तो तो फ़ौरन मान गए मैंने सोचा कि काश मैं वन फिफ्टी का वन वन हंड्रेड का बोलती तो आराम से मुझे ये वन हंड्रेड का मिल जाता खैर जो आज तक बड़े बड़े ग्लास जो इतने लंबे लंबे हाइट के होते हैं ना वो मुझे कहीं नहीं दिखे थे जो सिर्फ मुझे इस बचत बाज़ार में दिखे तो आप लोग देख ही सकते हो मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर देख रही हूँ बट आगे गए तो मुझे ना एक बैग था बड़ा अच्छा लगा बट उन्होंने दो हज़ार रुपये इसके प्राइस बताए थे और जब मैंने को खोल के देखा ना तो उसका स्पेस काफी कम था बाहर से तो उसका बहुत ज्यादा लग रहा था स्पेस और ये वाला बैग मैंने उठाया तो ये काफी ज्यादा चौड़ा था मतलब मुझे बैग क्या है क्या पसंद आ ही नहीं रहा आप लोग भी सोच रहे होंगे ना ये मल्टी टाइप का बैग मैं फाइनल करने लगी ना तो आप ही ने कहा तो थैला लग रहा है छोड़ दो फिर हम मुझे ये वाला बैग पसंद आ गया था और फाइनली ये लेना ही था दो सौ रुपये का था बट पीछे से इतना गंदा हुआ हुआ था धुलने के लायक भी नहीं था बट छोड़ दिया और आगे गए तो फिर क्रॉकरी कुछ नज़र आ गई और यहाँ पर मैं अपनी फर्स्ट परचेज करूंगी फाइनली मुझे ये लंबे वाले ग्लास बहुत पसंद आ रहे थे तो फिर मैंने दो ले लिए कि आराम से रमजान आने वाला है तो उस पर मैं शेक बनाऊंगी और खूब स्ट्रॉ डाल के आराम से पीऊँगी तो थ्री हंड्रेड का ग्लास बताया था इन्होंने मुझे टू हंड्रेड का दे दिया था मैं 150 लगा रही थी बट क्या है कि है, नहीं 150 में मुझे नहीं दिया मतलब हंड्रेड का दो फिर मुझे मिल सका, तो मैंने इनको पैसे दिए और फिर हम आगे गए तो इस तरह के बहुत ही खूबसूरत इंटरेस्टिंग टाइप के क्लॉक क्लिप्स क्लच कुछ नजर आया शीन के कुछ वगैरह बहुत रश लगा हुआ था वन फिफ्टी सेल थी कुछ हंड्रेड रुपीज की भी सेल थी काफी लोग बाय कर रहे थे यहाँ से बहुत अच्छी बता रही हूँ क्वालिटी बहुत अच्छी थी चीजों की अब मुझे ना एक क्लचर बहुत पसंद आया लेकिन कम का नहीं। तो फिर मैंने छोड़ दिया और बस अभी तक हमने ग्लास लिए हैं कितने के फोर हंड्रेड के दो में से अभी तक हमने फोर हंड्रेड ही खर्च किए हैं फिर आगे गई तो मुझे ये मिनिएचर जैसे मैंने बताया था मिनिएचर कुकिंग के लिए आप लोगों को बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे चीजें नजर आई फिर यह हैंडमेड हैंड पेंटेड बोल होते हैं फिर स्टार वाला बोल था इतना कुछ था कि आप के लिए, की चीजें बहुत सारी देखी जब आप लोग खुद भी आओगे ना तो आप लोग को जो चीज़ें पसंद है ना ऑटोमेटिकली ऐसा ही होता है इंसान के साथ वो चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि मैं जिस तरह का बैग जा रही थी मुझे वो फौरन नजर आ गया बिकॉज यही मेरा आइडियल बैग था क्या बोल रही हो आइडियल बैग खैर ये अच्छा बहुत लगा मुझे दो हज़ार का बता रहे थे मैंने नहीं लिया मैंने उसको देखो छोड़ दिया उसी टाइम मैं इन्हीं की शॉप पे दूसरी चीज़ें देखने लग गई फिर उससे समझ आ गया था मुझे बैग पसंद आ गया है तो अब उसने पता क्या फाइनल प्राइस लगाए मैं लगा रही थी, थी थ्री इसने बोला नहीं मैं फाइव हंड्रेड दूंगी फिर मैंने कहा कि चलो मैं पचास और बढ़ा देती हूँ मैंने थ्री फिफ्टी बढ़ाया नहीं दिया मैंने फोर कर दिया तब भी नहीं दिया फिर फाइनली इसने मुझे फाइव हंड्रेड दिया तब गुस्सा आ रहा मैं कभी भी इससे नहीं लूँगी बट मुझे ज़रूरत थी मैंने ले लिया बैग मुझे अंदर से भी बड़ा अच्छा लगा पैराशूट का पूरा फैब्रिक लगा हुआ था तो सामान के लिए बहुत मजबूत है ये तो फिर मैंने ये ले लिया और मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई तो 500 का बैग और 400 यानी कि टोटल हमारे पास 9900 रुपीस खर्च हो चुके हैं 1100 रुपीस फिर भी बचते हैं और अभी मैंने यहां पे हैट्स वगैरह देख रही थी और बिल्कुल बीच के लिए बड़े जबरदस्त किस्म के हैट हैं और बीच पे पहनता तो कोई है नहीं लेकिन फोटो के लिए हां बहुत अच्छे हैं आप लगा लगा के फोटो बहुत अच्छे से कर सकते हैं इनसे और देख लो मैं यहां पे बैग पहन पहन के देख रही हूँ ठीक है जी और मुझे वैसे इतना ज़्यादा शौक नहीं है का बट आपके लिए मैं दिखा रही थी अच्छा बेल्ट की बात करें तो बहुत अच्छी अच्छी आपके यहाँ बेल्ट मिल जाएंगी जो नॉर्मली किसी शॉप पर नहीं मिलती वो आपको यहाँ पर बेल्ट मिलेंगी लेदर की बेल्ट और चेन वाली बेल्ट बहुत सारी तरह तरह की हर कलर की देखो कितना ज्यादा स्टॉक यहाँ पर रखा हुआ है और प्राइजेस अनफॉर्चुनेटली पूछता इनसे भूल गई हूँ और देख सकते हो आप लोग खैर आगे गए तो आप को ये वाली फुटवेयर बहुत अच्छी लगी असल में इसके बिल्कुल सूट से मैच कर रही थी और इस शॉप पे तो काफ़ी रश भी लगा हुआ था बट हमें कोई इतना ख़ास परचेज़ नहीं करना था तो आगे गए बड़ी प्यास लग रही थी फिर हमने स्लाइस ले लिया तो उस पर काफ़ी हाई क्वालिटी की ना स्टेनलेस स्टील के स्पून नजर आए थे मेरी दोनों सिस्टर को तो ये देख रही हैं ये लोग और देख लो कितने अच्छे हैं आप लोग भी आओ अगर आपको इसी तरह के स्पून नज़र आए तो ले लेना आराम से फिर हम आगे गए तो बस ये लास्ट स्टॉल है फुटवेयर का जिसको हम देख रहे थे कि आप ही को लेना था कुछ इस तरह का मेटालिक कलर टाइप का फुटवेयर तो वो मिल जाए अच्छा मुझे ये पम्पी पसंद आई थी बट ये एक साइज मेरे से बड़ी थी बिल्कुल बाटा वाली इसकी क्वालिटी थी मैं पंपी ज्यादातर ना बाटा से ही बास करती हूँ क्योंकि मुझे वही ब्रांड अच्छा लगता है फुटवेयर के लिहाज से ठीक है फिर ज्वेलरी वगैरह की शॉप नज़र आई ब्रेसलेट लेना था आप ही ने कहा ब्रेसलेट ले लो लेकिन ये मेरी सिस्टर को इतना ढीला था तो उसने नहीं लिया आखिर में हमने फिफ्टी के बटन लिए तो अभी भी हमारे नौ सौ पचास रुपए ही खर्च हुए इससे ज्यादा खर्च नहीं हुए पहले तो ये आप ही ये वाले पसंद कर रही थी फिर आखिर में हमने बहुत ही खूबसूरत से ना बिल्कुल मेटल टाइप के बटन थे उसके अंदर ना एक क्रिस्टल डला हुआ था मैं आपको दिखाती हूँ वो वाले तो फिर हमने वो परचेज की ये देखो ये आप देख भी रही है इसमें काफी डिजाइन थे तो इसने स्टार वाला लिया ठीक है फिफ्टी रुपीज का था कोई भी बटन इनसे ले लो कि फिफ्टी रुपीज का ही दे रहे थे टेसल्स भी थे इनके पास बहुत कुछ था बहुत कुछ का मतलब है कि ड्रेस डिजाइनिंग से रिलेटेड काफी मुझे एक और बैग अच्छा लगा सेवेंटी रुपीज़ का इन्होंने हंड्रेड प्राइस बताई थी मैंने 70 रुपीस का लगा के ले लिया था फिर स्टॉलर पसंद आए अच्छा गलती यहाँ पर क्या हुई वन का स्टॉलर था मैंने कहा फोर हंड्रेड के दो दे दें अरे मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया था खैर फिर हमने ये नहीं लिया छोड़ दिया और बस आज का ब्लॉग भी इतना ही था पसंद आया तो लाइक करना